हेलो दोस्तों, गेट्स मैचेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गोल बेस्ड एजेंट्स की, और गोल बेस्ड एजेंट का मेन जो फोकस है वो किसके ऊपर रहता है, गोल स्टेट के ऊपर रहता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें यूटिलिटी बेस्ड एजेंट की, तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, यूटिलिटी के ऊपर है, नॉट द गोल स्टेट। अब यहां पे स्टूडेंट जो है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्वियसली हमें गोल स्टेट पे ही रीच करना है, लेकिन हम गोल स्टेट पे फोकस करने के बजाय, मतलब हमारे जो एक्शंस हम लेते हैं, जो हम जनरली डिस्कस करते हैं कि जो हम एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उन एक्शंस का मेन मोटिव क्या है, गोल स्टेट पे पहुंचना, नहीं। यहां पे यूटिलिटी वाला जो एजेंट है वो क्या करता है, गोल स्टेट तो उसके माइंड में है कि यस वी हैव टू रीच टू द डेस्टिनेशन, लेकिन ये अपने माइंड में क्या रखता है, मेन फोकस किसके ऊपर रखता है, यूटिलिटी के ऊपर। और ये क्या रखता है मेन, यूटिलिटी का मतलब क्या है यहां पे, कि जो एक्शन मैं परफॉर्म कर रहा हूं उस एक्शन से एजेंट कौन सी स्टेट में आता है, हैप्पी स्टेट में, अनहैप्पी स्टेट में, और उसको हम कैसे मेजर करते हैं, यूटिलिटी फंक्शन से। तो यूटिलिटी फंक्शन यहां पे क्या यूज कर रहे हैं हम, यूटिलिटी फंक्शन का ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये स्टेट की हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, मतलब जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म करने के बाद मैं जिस स्टेट पे पहुंचा हूं उस स्टेट में एजेंट हैप्पी स्टेट में है या अनहैप्पी स्टेट में है। वही ह्यूमन बीइंग वाला, जो जैसे ह्यूमन बीइंग में हम बात करते हैं, वही सेम फंडा हम यहां पे यूज कर रहे हैं। अगर हम एक सिंपल से रियल लाइफ एग्जांपल से डिस्कस करें, तो जैसे जीपीएस सिस्टम है या ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं, अगर हम लेट्स से सोर्स टू डेस्टिनेशन कहीं पे जा रहे हैं, 300-400 किलोमीटर का ट्रैवल यहां पे हम कर रहे हैं कार पे, अब होता क्या है, हम ऑब्वियसली कई बार क्या करते हैं, जीपीएस सिस्टम पे लगाते हैं, अब वो 2-3 रास्ते दिखाता है कई बार, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट शॉर्टेस्ट पाथ को ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अब शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते करते हम आगे जा रहे हैं, नॉर्मल स्टेट में, हैप्पी स्टेट में, हमें पता है कि गोल स्टेट में इतने टाइम के बाद पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या हो सकता है, रास्ते में हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी का और उसकी वजह से वहां पे जाम लग जाए, या हो सकता है किसी ने धरना दे दिया रोड पे, वो चीज जीपीएस में रियल लाइफ डेटा का जो है वहां पे नहीं आ रहा। अब जैसे ही हम उस स्टेट में पहुंचे, साथ के साथ हमारे पास क्या हो गया, अनहैप्पी स्टेट में हो गया। अनहैप्पी स्टेट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना था वहां पे प्रॉपरली प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे, अब हम क्या है, अनहैप्पी स्टेट में है। इसी टाइम पे एजेंट एक्शन क्या लेगा, वो एक्शन परफॉर्म करेगा, और वो एक्शन क्या होगा, लेट से वो किसी अल्टरनेटिव पाथ को चूज करने की कोशिश करेगा, किसी शॉर्टकट किसी और शॉर्टकट पाथ को चूज करने की कोशिश करेगा, सो दैट यूजर्स दोबारा फिर एजेंट दोबारा फिर हैप्पी स्टेट में आ जाए। तो यहीं पे मेन जो फोकस है यूटिलिटी का, नाम से ही पता लग रहा है, यूटिलिटी मतलब कितना उपयोगी है, कितना बेनिफिशियल है, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। तो फोकस हमारा यूटिलिटी के ऊपर है, गोल स्टेट के ऊपर फोकस नहीं है। यूटिलिटी फंक्शन से हम मेजर करते हैं कि हैप्पी है या अनहैप्पी स्टेट है। तो यही हमारा जो है मेन डीलिंग किसके साथ है, हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट के साथ है। बाकी का फंडा हमने ऑलरेडी भी पहले समझ रखा है कि एनवायरमेंट से हम क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, परसेप्शन कर रहे हैं, वहां से हम क्या कर रहे हैं, जो इस टाइम पे करंट स्टेट है उसको हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और उसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, पास्ट हिस्ट्री के साथ, क्योंकि ये है तो सारे मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट के आगे एक्सटेंशन ही है। पहले आप मॉडल बेस्ड एजेंट को जरूर समझ लें, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि परसेप्ट हिस्ट्री को यूज करने के बाद ये एक्शन जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे मेन फोकस किसके ऊपर है, यूटिलिटी के ऊपर। तो यूटिलिटी को अपने माइंड में रख के कि एजेंट कौन सी स्टेट में जा रहा है, देन हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच पर्टिकुलर स्टेट, मतलब मैं उस स्टेट में कितना हैप्पी हूं या नहीं हैप्पी। अगर मैं हैप्पी हूं, मतलब एजेंट हैप्पी फील कर रहा है, तो ऑब्वियसली व्हाट एक्शन शुड आई टेक, मतलब अब मुझे उस रास्ते पे जाना चाहिए, और जैसे ही मैं एक्चुएटर ने वो वाला जो एक्शन परफॉर्म किया, तो एनवायरमेंट में अब कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो ये सारे एजेंट्स जो थे रिफ्लेक्स, मॉडल बेस्ड एजेंट, और मॉडल बेस्ड में हमारे पास जो है गोल स्टेट था, और गोल स्टेट के बाद हमारे पास आता है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी है और गोल स्टेट है, दोनों ही जो है पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट पे काम करते हैं। पार्शियली ऑब्जर्वेबल का मतलब है जिसमें हमने रोड, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको एग्जांपल में कि आप तो नॉर्मल ट्रैवल कर रहे हो, आपको पता है, मे बी हो सकता है आपने ऑलरेडी उस रोड पे ट्रैवल किया हो, लेकिन आपको क्या पता उसी दिन अगर उस जगह पे कोई जाम हो, कोई रैली हो, आप उस जगह पे जाके एकदम से फंस गए, अब उस स्टेट में आप अनहैप्पी स्टेट में हो, अब पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी गाड़ी का पता है कि कहां ब्रेक है, कहां रेस है, सब कुछ, लेकिन रोड
पे कितनी गाड़ी है, आगे जाके क्या होने वाला है, ये फ्यूचर का आपको नहीं पता, तो पार्शियली ऑब्जर्वेबल में काम करता है और वो एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करता है जिससे यूजर मतलब एजेंट जो है वो हैप्पी स्टेट में जाने की कोशिश करे. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स. थैंक यू.